पटेल नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि यह एक सरनेम है जो भारत में रहने वाले कई समुदायों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कोली, कुर्मी, कुछ पारसी और मुसलमान। पारंपरिक रूप से यह उपनाम सामाजिक स्थिति या स्टेटस को संदर्भित करता है और मध्यकाल के दौरान गांव के सरदारों द्वारा प्रयोग किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, पटेल राजस्व अधिकारियों की सहायता हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा नियुक्त किया गया एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सरकारी पद भी है, जो स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पटेल किसे कहते हैं और इनका क्या कर्तव्य है। पटेल पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत में बड़े पैमाने पर भूमि अभिलेख अधिकारी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है। यह शब्द स्थानीय प्राधिकरण में एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए स्वामित्व रिकॉर्ड रखता है और साथ ही भूमि करों का संग्रह भी करता है। यह वही कर्मचारी है जो आपको जमीन, खसरा आदि के बारे में जानकारी देते हैं। यह मूल रूप से ग्राम स्तर पर राजस्व प्रशासन में ग्राम लेखाकार अधिकारी होते हैं। बता दें कि यह पद राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। वर्तमान में पटेल को लेखपाल के रूप में जाना जाता है। पूर्व में इन्हें पटवारी कहा जाता था। कुछ राज्य में इन्हें ग्राम पटेल, कारनाम अधिकारी, शान बोगरू आदि के नाम से जाना जाता है। इस पद की शुरुआत 16वीं शताब्दी में की गई थी। ग्राम प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भी इस व्यवस्था को बनाए रखा। एक लेखाकार की भूमिका में पटेल मुख्य रूप से कृषि का रिकॉर्ड रखते थे। हालांकि मध्यकाल से चली आ रही ग्राम पटेल व्यवस्था वर्ष 2005 के बाद अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोती चली गई। पटेल और कोटवार को प्रशासन का रीढ़ माना जाता है। गांव में होने वाले छोटे मोटे विवाद और समस्याओं को का निराकरण करके शांति कायम रखने में भी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रशासन के लिए सूचना तंत्र का काम करते हैं। अगर यह ठीक से काम नहीं करे तो प्रशासन के लिए गाँव के लोगों को त्वरित सहायता पहुँचना कठिन हो जाता है।